हेलो दोस्तों, तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो सुबह सुबह का टाइम है और मैं और हस्बैंड जा रहे थे जिम। सूरज और चांद एक ही आसमान में, मतलब थोड़ी देर में सूरज तो पूरे रूप में आ ही जाएगा लेकिन चांद भी है। सुबह दोनों चीजें देख के बड़ी मजा आती, रात में दिखता नहीं सुबह दिखता है। खैर, मैं और हस्बैंड निकल गए थे जिम के लिए, वही देहाती वाला। इस बार तो मैंने ठान ली है कि एक दिन का भी गैप नहीं करूंगी, चाहे कुछ भी हो, तबीयत भी कैसी हो, लेकिन जिम जरूर जाऊंगी हस्बैंड के साथ, क्योंकि हस्बैंड तो अपने सारे प्रॉमिसेस निभाते हैं। इतने सारे डंबलों में 2.5 किलो का उठा रही थी, उसमें भी थकी जा रही थी। सोचो क्या हालत है मेरी। जिम हो गया था और फिर आ गए थे हम घर और मैं बना रही थी पनीर के पराठे। नाश्ता करने के बाद फिर जाना भी था मुझे एक और काम से, जिसे कहते हैं गाड़ी चलाना सीखोगे। मतलब मैंने सोच लिया था कि इस बार मैं कार चलाना सीख लूंगी, क्योंकि बहुत जरूरी होता है जिंदगी में, सब कुछ आना चाहिए। पराठे तो देखो दोस्तों कितने बढ़िया महक रहे थे, देसी घी के पराठे। हस्बैंड बहुत अवॉइड कर रहे थे, मैं नहीं खाऊंगा पराठे। मैंने बोला इसमें पनीर है और उसमें प्रोटीन होगा, तो बोले ही खा लूंगा। मतलब हस्बैंड प्रोटीन के ऐसे दीवाने हो गए हैं कि कहीं भी कुछ भी प्रोटीन वाला दिख जाए खा जाते हैं। मैंने कहा मुझे मत खाना। बोले तुम में प्रोटीन नाम की कमी नहीं है, फैटी औरत कहीं की। मैं फैटी कब से हो गई दोस्तों, मैं तो पतली थी। खैर, मेरे पनीर के पराठे तो देखो, और ये लंच टाइम है, अचानक से लंच टाइम में जंप कर जाती हूं। बना रही थी लाल भाजी, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने कोई सब्जी खाई नहीं, बीच में खाई होगी तो पता नहीं, चिकन मटन नहीं चल रहा था। वैसे हस्बैंड ने कहा था मुझे सुबह ही कि चिकन बनाना, लेकिन मैं भूल गई और मैंने सब्जी बना डाली। खैर, अंडे तो उबाले थे इसलिए बच गई, और रात में पपीता खाया गया। सिर्फ पपीता तो नहीं खाया गया होगा, और भी फलाहार किया गया दोस्तों, जिसे कहते हैं केला, संतरे, और संतरे भी बड़े हरे हरे थे। मैंने कहा ये ऑरेंज है, ऑरेंज को ऑरेंज होना चाहिए कि हरा होना। हस्बैंड के कच्चे सूख नहीं पाए तो मुझे अपने वॉयलन पे सुखाने पड़ रहे हैं, मतलब क्या जमाना। और दोस्तों रात में क्योंकि हस्बैंड का फलाहार चला और मैंने खाना बनाया नहीं, तो इसीलिए मंगा लिया था डिनर। तो आज के लिए इतना ही, अब कल मिलते हैं, और तब तक के लिए लव यू। Thank you.